हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके बताएं। और जो आज का व्लॉग है उसमें हम कल संडे और कल दोस्त थी तो हम गए जो हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस और राजस्थान के लोकप्रिय देवता है रामदेव जी महाराज। तो उनका जो एक धाम है यहाँ पर पास में ही अजमेर और नागौर की सीमा पे कुंडियास धाम, तो कल हम वहाँ गए थे। तो आज का व्लॉग है उसी से रिलेटेड है, पूरा यात्रा का वृत्तांत है। तो प्लीज आप जरूर वीडियो पूरा वॉच करें, तो देखते हैं आज का वीडियो। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए अभी हम होशियाबाद में जो खुंडियास जी महाराज का है, रामदेव जी का मंदिर है, हम उसके मेन द्वार पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये मेन गेट है यहाँ पर, और फिर आगे जाके जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर मंदिर है। तो देखिए अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए ये है बाबा का दरबार, और यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आते हैं, क्योंकि रामदेव जी महाराज को सभी लोग मानते हैं। और ये देखिए प्रसाद की दुकानें हैं, ये देखिए, और ये मम्मी है और ये नितिन है। मम्मी तीनों हम आए थे, ये देखिए प्रसाद ले लिया मम्मी ने, और अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। और ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, आज दूज है इसलिए, और हर दिन ही वैसे भीड़ रहती है, पर दूज के दिन ज़्यादा रहती है यहाँ पर। और देखिए अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, अब दिखाते हैं आपको आगे अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है मंदिर की रेलिंग है, यहाँ से हमें मंदिर की ओर जाना है। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो धूणा है वहाँ पर हमें जो नारियल प्रसाद है वहीं चढ़ाते हैं, तो हमें वहाँ जाना है और फिर हम दर्शन करने चलेंगे आगे मंदिर के अंदर। ये देखिए, ये देखिए ये मंदिर है, और ये देखिए यहाँ पर धूणा है, इसमें जोत है, और यहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं लोग, बदार रहे हैं, तो हम भी नारियल बदा रहे हैं अभी। ये देखिए अभी मैं जा चुका हूँ नारियल लेके, अभी देखिए दो तीन लोग हैं यहाँ फोड़ रहे हैं नारियल। तो उसके बाद अभी जैसे मेरा नंबर आएगा फिर मैं बता दूंगा नारियल यहाँ पर, और फिर प्रसाद वगैरह यहाँ चढ़ाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी जो ऊपर की हवा या प्रेत आत्मा जो रहती है वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो ठीक होकर ही जाते हैं यहाँ से, ऐसी मान्यता है यहाँ पर, और होती भी है ठीक। तो अभी आपको देखना आगे क्या क्या है। और ये देखिए नारियल मैंने फोड़ दिया, और नारियल थोड़ा सा ऐसा निकला था, पर कहते हैं अच्छा रहता है ये नारियल जो थोड़ा सा ख़राब निकलता है। क्योंकि अभी जो ये प्रसाद है हम नारियल है यहीं चढ़ा देंगे, अगरबत्ती और जो प्रसाद लाए थे। देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बड़ा जो बड़े महीना होता है उसमें दूज और दशमी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेला लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पर अभी कोरोना की वजह से कम लोग ही आए हैं। और ये देखिए धूप होने के बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे जो धूणा है उसकी, ये देखिए इस तरीके से ये धूणा, इसे ये हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। और देखिए नितिन और हम दोनों अभी मम्मी भी है आगे और परिक्रमा कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर जो भी कोई रोग कष्ट हो सब यहाँ पर दूर हो जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, ये देखिए अब आपको बाबा के दर्शन कराएंगे रामदेव जी महाराज। ये देखिए, ये देखिए मंदिर में, और ये देखिए जो बहुत सारे जो लेडीज़ हैं जिनमें कोई ऊपरी हवा है वो सब यहाँ पर बैठी है, उनकी आवाज़ें आ रही हैं अभी, और यहाँ से ठीक होकर ही जाते हैं ऐसी मान्यता है दोस्तों। और ये मंदिर है, ये बाबा का दरबार आ चुका है, और आगे परमिशन नहीं थी आगे इस कारण मैंने बंद कर दिया था। और देखिए अभी हम वापस चलेंगे, आपको पूरा मेला घुमाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। और देखिए ये लेडीज़ पड़ी है क्योंकि इसमें ऊपरी हवा है इस कारण, ये बाबा का दरबार है। और ये देखिए पुजारी है उनके, थे उनके जो, उनकी समाधि है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और अभी हम वापस जा रहे हैं मेले में घूमने, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने, इसलिए ये देखिए नितिन साथ ही है, मम्मी आगे हैं, अब आपको घुमाते हैं मेले में। तो ये देखिए दुकानें इस साल बहुत कम है कोरोना की वजह से, पर कुछ एक लग रही है, तो अभी हम आपको ही दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो कृषि से रिलेटेड सामान होते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं, और बहुत सारे, और ये देखिए बच्चे भी आए हैं बहुत सारे यहाँ पर इनके साथ। और ये देखिए यहाँ पर महिलाएं चूड़ियाँ वगैरह पहन रही हैं, जो महिलाओं के सामान है वो यहाँ पर सब मिलते हैं, ये देखिए। और ये देखिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो बहुत सारी लेडीज़ खरीद रही हैं, अब जाके मंदिर के पट खुले हैं तो इस कारण बहुत दिनों बाद 6-7 महीने बाद सभी लोग आए हैं।
हाय दोस्तों, तो देखिए ये है खुंडियास जी महाराज, होशियाबाद में है। तो देखिए नागौर अजमेर की सीमा पर है ये मंदिर। ये देखिए, और आज हम 7-8 महीने बाद आए यहाँ पर। देखिए पूरा दूज है, दूज को यहाँ पर मेला लगता है। तो देखिए हर दिन ही वैसे यहीं ऐसा ही रहता है, पर इस साल थोड़ी कम है दुकान है। ये देखिए हाँ जी दोस्तों, देखिए अभी आप ये मेले में आ चुके हैं। मेला तो क्या यहाँ पर आए हैं दूज को आज। ये देखिए, और अभी हम चल रहे हैं वापस, दिखाते हैं आपको और कुछ। और ये देखिए दोस्तों, बहुत सारी चूड़ियों की, और ये देखिए बच्चों की गाड़ियाँ लकड़ी की, यहाँ पर हमारे यहाँ की फेमस है। तो ये देखिए बहुत सारी हैं, और इसके अलावा भी कृषि से रिलेटेड सामान भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी, ट्रक और ट्रैक्टर, और ये मिलेगी कुछ यहाँ से। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट में।